नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित क्रिस्त ज्योति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में कक्षा 12 के छात्रों का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर समस्त विद्यालय प्रबंधक एवं अध्यापक उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विदाई समारोह में छात्रों को ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्र भी अध्यापक एवं विद्यालय की तारीफ करते हुए थोड़े भावुक दिखाई दिए। वहीं छात्रों का कहना था कि इस विद्यालय से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज के बारे में, जो आज आपने कॉलेज में प्रोग्राम हुआ है, क्या था? ये हमारे 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह है। इस समारोह में हम बच्चों को राख दिखाते हैं, आगे की उसकी बोर्ड परीक्षा के लिए हम शुभकामनाएँ देते हैं और उनकी तैयारी के लिए कुछ टिप्स बताते हैं और आगे की ज़िंदगी में अपने जीवन के सफ़र में कैसे योगदान देना है। इस भारत देश के निर्माण कार्य में ये बच्चे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, उसके लिए हम उनको मार्गदर्शन देने का समारोह है और उनको बधाइयां देते हैं। और एक भावपूर्ण बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट है, हमसे ये बिछड़ के जा रहे हैं, तो हमें भी ये दुख की वेला है, ये खुशी का भी वेला है, ताकि ये बच्चे 12वीं कम्प्लीट कर रहे हैं और बहुत बड़ा बहुत इंटेलिजेंट बैच है, तो इनसे हमें बहुत बड़ा उम्मीद है, सपना है। हाँ, पेरेंट्स का भी सपना है, टीचर्स का भी है, मैनेजमेंट का भी है, तो इसके बारे में हम इसको बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर हमारा गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। आज आपके यहाँ स्कूल में जो कार्यक्रम था विदाई पार्टी, आज आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, विदाई है भी आपकी, क्या पूरा मामला है, आपको कैसा महसूस? जी सर, हम आप बड़ी खुशी हो रही है हमें बताते हुए कि आज हम सारे टीचर्स को एक साथ देख रहे हैं और उन्होंने जो हमें ज़िंदगी के लिए पाठ पढ़ाए हैं वो वाकई हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं और वो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज देखिए, मुझे खुशी और गम दोनों हैं। गम तो इस बात का है कि हमें यहाँ से इस स्कूल को छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसका हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था। हालांकि मैं खुश भी हूँ कि आगे चल के हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, वो भी अपने टीचर्स के कारण। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, थैंक यू वेरी मच। स्कूल के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? आज आपके कॉलेज में विदाई पार्टी दी गई थी, आप लोग यहाँ से कॉलेज से जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है और आगे वाले समय में आप क्या बनना चाहेंगे? बहुत दुख है कि 15 साल बाद इस स्कूल से निकलने, इस स्कूल ने हमें जो बनाया है वो आज हम स्कूल की वजह से ही है, जो भी यहाँ खड़े हैं ज़िंदगी में जो भी हम करेंगे वो इस स्कूल के वजह से है। इस स्कूल के पढ़ाए हुए ज्ञान और ज़िंदगी से कई बातें हमने सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखी, हाँ ज़िंदगी को जीना सीखा, हाँ कैसे हमें इस समाज में रहना है वो सीखा, बनना क्या है वो सीखा, इंसान बनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सीखा इस स्कूल से, जो मतलब कहीं किसी स्कूल में शायद ही सिखाया जाता हो। लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं लेकिन जो इंसान बनने की जो खूबी है वो इस स्कूल से सीखी। यहाँ से जाने के बाद आप टीचरों को मिस करेंगे? बहुत मिस करेंगे।